अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां एक मोहम्मद शाहिद खान नामक युवक है, उसकी पत्नी का नाम इस्मत जहां है और उसको उसकी सौतेली बहन है जो जमीन का मामला है गांव का, और उसी को लेकर उस इस्मत जहां की जो पति है शाहिद खान के ऊपर, वो शमसुन्निसा का लड़का जो है राशिद खान, वो बार बार हमला बोल रहा है। एक बार उसने 7 महीना पहले भी हमला बोला था, जिसका गवाह भी है, जिससे हमने बात भी की। अभी 5-7 दिन पहले जो है शानदार हॉल में हमला हुआ, जिसकी लड़की की शादी थी, वो खुद ममनुन्निसा है, वो खुद गवाही दे रही हैं। और इन्हीं सब मामलों को लेकर शाहिद खान इस्मत जहां ने कमिश्नर साहब से इंसाफ की गुहार लगाई है कि वो जो है इस तरह से जो जान का खतरा है इनके पति के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, तो ये जो है कमिश्नर साहब इन्हें इंसाफ दिलाएं और जो आरोपी हैं इसमें राशिद खान, अलाउद्दीन खान, शमसुन्निसा, इनके ऊपर कार्रवाई करें और इस मामले को संज्ञान में लें ताकि कल कोई बड़ी घटना ना घटे। इनके पति के जान का खतरा है और इनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए इन्होंने कमिश्नर साहब से ये इंसाफ की गुहार लगाई है एक लेटर के माध्यम से। आइए जानते हैं इस विषय पर इस्मत जहां मोहम्मद शाहिद खान क्या कहते हैं। इसी के साथ हम जो है शाहिद खान की जो सास है, जिन्होंने जो जमीन का लोचा है, वही जमीन जो है रुकैया बेगम जो उनकी माँ है, उन्होंने रजामंदी के साथ जो है उनको लिखी है और उसी जमीन का पूरा दोस्तों विवाद है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है। रुकैया बेगम से जानते हैं, इस्मत जहां से जानते हैं, मोहम्मद शाहिद खान से जानते हैं। मामला ये है जो है, मेरी माँ जो थी तो जो है थोड़ी जगह थी, घर था तो मेरे को दे दिया, इसलिए हम लोग को जो है वो लोग बोले ज़बरदस्ती ले लिया है, तो इसलिए मेरे आदमी को हम लोग को गांव में भी मारते थे छुरी चक्कू से, बोले पैसा जितना लगेगा लगा दूंगा मैं, इन लोग को मार दो। तो जब भी देखो रास्ते में छुरी जब जहाँ मिला था वहाँ पर मारते हैं जो है, तो जान का हम लोग का खतरा है जो है, वो होता जगह ज़मीन के लिए जो मेरी माँ मेरे को दे दी, और सौतेली बहन है वो जो है। वो कौन है? वो आपकी सौतेली बहन है मेरी। क्या नाम है उसका? वो शमसुन्निसा। शमसुन्निसा, उसके पति का क्या नाम है? अलाउद्दीन। ये हमला कौन कर रहा है? राशिद, उसका बेटा है जो है। अच्छा, क्या दुश्मनी हो सकती है आपकी, क्या जलन है उसको? वही जो है जो घर दे दिया मेरी माँ ने मेरे को जो है, माँ को बुढ़ी माँ, मैं उसके साथ में रह रही थी जो है, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, सब वो धन ले लिया साथ छोड़ दिए, तो मैं कहाँ साथ छोड़ दूँ, इसलिए मेरे आदमी को हम लोग का छुरी चक्कू से बोले जान का जान से मार दूंगा मैं जो है। खेती पूरा हम लोग का बाप का पूरा खेती दवा के बहाने लेके गए और वहाँ पे लिखा लिए, वो तो हो गया चोरी। कौन से दवा के बहाने ले गया? वो अलाउद्दीन। किसको ले गया? वो मेरे बाप को। अच्छा। मेरे बाप को दवा के बहाने लेके गए, वहाँ पे अंगूठा लगवा लिया, मेरे बाप रो के आके बताए तो जो है रोने लगे, तो बोलने लगे तो मैं बोली जो है कि दवा के बहाने नहीं लगाओगे टाप तो मैं अभी हाथ पाँव तोड़ के, ये नदी पड़ती थी बीच में, वो नदी में डाल दूंगा, तो डर के मारे जो है लगा दिया आके, फिर एक ही महीने में तो ख़त्म हो गए लौट के, वो फिर अच्छे नहीं हुए जो है। कितनी जमीन लिखा लिया था इसने? और 4.5 बीघा। 4.5 बीघा, हाँ लिखा लिया। खाली घर, अब घर में माँ को लेके मैं रह रही थी, उसके लिए वो बोले उसको मेरे को भी चाहिए, मैं नहीं रहने दूंगा। और आपको, आपकी माँ ने कितना लिखी है जमीन जो है? 11.5 बीघा उसने पहले से लिखा लिया। 4.5 बीघा वो चोरी से लिखा लिया, दवा के बहाने जाके मेरे बाप से सौतेली बहन लिखा लिया। अभी क्या बोल रहा है वो? अभी बोल रहे हैं कि घर में भी नहीं रहने दूंगा जो है। अच्छा। घर भी मेरे को चाहिए जो है, नहीं हम जान से आदमी को, माँ को, मेरे 3 बच्चे, गाँव में 3 बार हमला किया। अलाउद्दीन बोल रहे हैं मेरे 8-10 हजार लाख लगेगा तो मैं लगा दूंगा, मैं इन लोग का छुरी चाकू से मार दो, जानी से मार दो। तो ये क्या पैसे वाला आदमी? हाँ, क्या पैसा वाला आदमी? हाँ पैसा वाला बहुत है जो है, बोल रहा है मैं इतना पैसा कमा के रखा हूँ कि मेरे सारे जिंदगी खाएंगे बच्चे तो खत्म नहीं होएगा। घर पे भी इतना मारे हम लोग को, दरवाजा बंद कर करके छुरी चाकू से मारे, यहाँ पे भी अभी उधर। तो आपके ऊपर इतना मारे पीटे हमला किए? बोल रहे की माँ से जबरदस्ती लिया तो। अच्छा। बोले घर मेरी माँ से मेरे को देना चाहती थी तो तुम जबरदस्ती। तो क्या आपने जबरदस्ती लिया था क्या? नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं लिया जो है, पूछ लिया जाए से। दोस्तों से। तो इस मामले में जो है मैं इस्मत जहाँ जो है जिनको जमीन लिखा था उन्होंने,
उनकी माँ से जानना चाहेंगे, उनकी माँ से पूछेंगे कि जो 4.5 बीघा जो इसमें आरोपी है अलाउद्दीन खान, शमसुन्निसा, राशिद खान जो हमला कर रहा है, उसने जो जो हमला कर रहे हैं 11 बीघा जमीन को लेकर, जबकि इससे पहले अलाउद्दीन ने डरा के, धमका के, दवा के बहाने ले जाके 4.5 बीघा जमीन उससे पहले लिखा लिया है और उसकी नज़र जो है अब इस 11 बीघे पर भी गड़ी हुई है। तो हमारे साथ हैं शमसुन्निसा, उनकी माँ भी हैं। हम रुकैया बेगम से जानना चाहेंगे, जिन्होंने इस्मत जहाँ अपनी बेटी को ये जमीन लिखी थी, और क्या जलन है, क्या दुश्मनी है अलाउद्दीन का लड़का, ये जो इस्मत जहाँ के पति है मोहम्मद शाहिद खान, उनके ऊपर क्यों हमला करना चाहता है। तो ये पूरा हकीकत जो है उनकी सास से जानना चाहेंगे, रुकैया बेगम से। तो चलते हैं रुकैया बेगम जी के पास। तो हाँ खाला, बताइए कि ये क्या है पूरा मामला, क्यों उलझ रही है बात। हाँ, जैसा हाँ कि वो शमसुन्निसा कौन है, वो भी आपकी बेटी है। हाँ, वो पहले जगह की है। अच्छा, आपकी पहली शादी जहाँ हुई थी वहाँ की है वो। तो वो जमीन तो पहले से हमको नहीं मालूम, दवा के बहाने से ले गए हमारे आदमी का कैसरगंज। तो हुआ से भी वो लिखा पढ़ा के मजबूती कर लिया, जब थोड़े दिन गल्ला दिया तो के बाद में 5-6 साल से नहीं दिया। अच्छा, तो हम उससे सबर किया, अब घर में रहने लगे। तो एक छोटी लड़की है, हम भी हम जब घर से निकाले भगावन, तो हम कहा कि लड़की को दे दें घर, तब तो ना निकाल पाइए। और हम और ये बच्ची हमारी परोस्ती करिए, अब यही वही से यही जलन है जो घर से घर घर दे दिया है। तो यही से अब बिगड़ खता हमारे छोटे दामाद का, हम लोगों का ये हमला कर। क्या नाम है आपके दामाद का? शाहिद खान। तो आपने अपनी बड़ी बेटी से कभी बात नहीं किया कि क्यों सता रही मेरे छोटे दामाद को, क्या दुश्मनी है, तूने तो 4.5 बीघा पहले से ले लिया। यही देखो, गांव वाले भी कहा कि देखो खेत तो ले लेना अलावन, मगर घर तो रहना चाहिए। तो सब लोग राय दिया, नहीं कहा रही हो इन लोग भगाए देने। तो फिर छोटी बच्ची के लिए हम अपने पड़ोसी के लिए, और यहू और गरीब पड़ोस पड़ोसी मतलब सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए जो है आपने उनको दे दिया, और उन्होंने सेवा किया भी आपका। हाँ, बहुत किया जिंदगी भर। ये जो जमीन 11 बीघा आपने इस्मत जहाँ के नाम लिखी थी, वो जोर दबाव से लिखा था, किसी के दबंगई से लिखा था, या हंसी खुशी से? हंसी खुशी से, कोई जोर जबर नहीं। अब घर में पटवारी आके हमारे नाम कर दिया, तो अपने नाम से उतार कर। अच्छा, और भी आपकी बेटी है ना? हाँ, और है, एक भी है इस्मत जहाँ। एक किस्मत जहाँ कौन है इस्मत जहां? आप बताइए कि जो आपकी ये इस्मत जहां बहन है, इनको 11 बीघा जमीन आपकी माँ ने लिख दी, तो उसमें जो है आपको कोई तकलीफ थी? नहीं, नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं। क्या था पूरा मामला जरा आप बताइए ना। वही मेरे बाप से लिखा लिए ये 4.5 बीघा जमीन, तो हमका जान तो अपना बड़ी है, अपना रहती है, सब लोग रहेंगे उसमें। और उसके बाद में 2-3 साल सही रही, उसके बाद उधम करने लगी, मारपीट करने लगी। फिर मेरी माँ छोटी बहन को दे दी राजी खुशी से हम लोग के। हम लोग बोले नहीं, हम लोग के है, उसके पास कुछ नहीं, तो उसको दे दीजिए खुशी से। मतलब ये लोग सता रहे हैं? हाँ। ये हमले के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। हम सब लोग खड़े थे, दुल्हन वहाँ शादी थी और विदा हो गई दुल्हन, ये उठा वो छुड़ा लेके वार शाहिद के ऊपर किया। तो लगा शाहिद को? शाहिद को नहीं लगा, शाहिद कूद के दूर भागे। अच्छा, ये कब की बात है ये? 28 तारीख रात में, 28 तारीख की रात की बात। वहाँ कौन कौन था? उस सैद पे सब लोग चले गए थे, वो सैद मैं थी, शाहिद थे, मेरी तीनों बहन, दुई बहन थी, मेरी भावच थी, और उनकी भावच की बहन भी दो थी, मेरे भाई थे, और अलाउद्दीन भी थे, और शमसुन भी थी, सैजाद भी थे वहाँ पे, और अबील भी थे। हाँ, अबील भी थे, मौजूद थे 10-12-15 लोग थे, और कई पिप को एक देख हाथ मारा भी। क्या नाम है आपका? अलीमुन्निसा। कौन, क्या लगती हैं आप इनकी, शमसुन्निसा, इनकी इस्मत जहाँ की? वो मेरी ननद लगती है। ननद है आपकी?
तो क्या जानती हो इस मामले में ये जो झगड़ा चल रहा है इसकी क्या सच्चाई है, जरा इसके बारे में आप बताइए ना। वही जमीन के बारे में, दुश्मनी से जब वो मेरे साथ में रहते हैं मेरे आदमी लोग के, तो इनके साथ में रहते हैं तो इसी के जलन से मारने चाहते, बता दें तीनों जान को ख़त्म कर देंगे जान से। अच्छा हाँ, मेरे आदमी के ऊपर हमला किए तो मेरे आदमी भी भाग लिए, तो फिर भल्लर के ऊपर हमला किए। शाहिद कौन है? बैठे हैं शाहिद के ऊपर फिर हमला किए, तो शाहिद ने छलांग मार के फिर भाग लिए, गड्ढे में गए, तो गड्ढे में गिर गए तो इसलिए वो बच गए। ये कहाँ की बात है? ये शानदार होल का। अच्छा हाँ, तो फिर आदमी तले दौड़ लिए तो फिर डसा मारे भाग लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान है। तो आप ही के ऊपर हमला हुआ था क्या? ये हमारे ऊपर हमला हुआ था। तो ये जब हमला हुआ था तो आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए? मैं नहीं गया, गया था लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कब की बात है? ये 6-7 महीना पहले है। अच्छा, अभी जो शानदार हॉल में ये लोग बता रहे हैं जो हमला हुआ था, ये कौन किया था हमला, कौन बार बार कर रहा हमला? ये राशिद कर रहा हमला हमारे ऊपर। ये कौन है? ये अलाउद्दीन का बेटा है। अलाउद्दीन कौन है? हाँ, अलाउद्दीन करवा रहे हैं, शमसुल निशा करा रहे हैं, ये सब उनके सियासत से ये सब कांड होता है, हमारे ऊपर हमला होता है। जान का हमारे को खतरा है, कभी भी वो मार सकते हैं हमारे को, बोलते हैं जान से मार देंगे, जितना भी लगेगा पैसा उतना में लगा देगा, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 तक के बोलते हैं लगा देगा। वो पेपर दिखाओ ना, जो जमीन जो तुमने इनको लिखा था। मैं काम करता हूँ कल्याण में, मिट्टलवाड़ी में रहता हूँ, संजय नगर में, हमारा रोज का आना जाना रहता है, कभी भी वो मार सकते हैं हमको। देर के वजह से मैं 3-4 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, बोले थे 2-3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। मैमुन निशा नाम है मेरा। शानदार हॉल में जो लफड़ा हुआ था, जो इनके ऊपर हमला हुआ था जी, उसके बारे में क्या जानती हैं? क्या जानती हूँ, मैं अपनी लड़की विदा की हूँ और उसके बाद में अंदर मार किए फिर उसके बाद में फिर सब रफा दफा हो गया, फिर जब मैं लड़की विदा की उसके बाद में राशिद आया और इसके ऊपर चापड़ मार दिया और ये मेरे आगे खड़े थे, और ये क्या हुआ जब ये मारे ना तो ये ऐसे थोड़ा सेट में हो गए तो ये बच गए, फिर बीच में मेरे भानोई के ऊपर झपटा, मेरा भानोई सईद नाम है, तो वो भी हट गया, कोई मैं सबको अलग कर लिए, फिर उसके बाद में अबील आए तो अबील को मारे ये, और चैलेंज दे रहे हैं अगर मैं सईद को मारूंगा और भला इनको मारूं, शाहिद को मारूंगा, अबील को मारूंगा, और बीच में आएंगे तो तुमको भी मारूंगी, ऐसे मेरी ननद मेरे को बयान मेरे घर पे दे के गई है। अच्छा, ये आपकी ननद कौन है? ये शमसुन निशा। अच्छा, शमसुन निशा वो अलाउद्दीन की औरत है, राशिद की माँ है। हाँ, राशिद की माँ। उसने धमकी दी है? हाँ, उसने धमकी दी। ये कब की बात है? ये है 30 तारीख का, 30 तारीख के बात है। तो ये कभी जरूरत पड़ी तो आप कोर्ट में ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, मैं पहले बोल के रखी थी मेरे घर पे लफड़ा मत करना, तो भी ये लोग लफड़ा करे, मारा मारी किए, सब कुछ किए, बहुत बेइज्जती किए हमारे लोग का। जे कोई मदद करते हैं, जे कोई जैसे उनके सहायता में जाता है उसको भी धमकी देते हैं ना भाई, कि हाँ इनको मार देंगे, उनको मार देंगे, उसी में जे कोई बोलेगा औरत हो या मरद हो सबको मारेंगे, तो उनका कोई कोई मतलब मदद नहीं कर सकता है, इतना वो लोग दबंग हैं, बोलते हैं मेरे इतना पैसा है उतना पैसा है, मार के लगा देंगे, कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, उनके बच्चे लोग उनके बहू लोग ऐसे ऐसे धमकी देते हैं। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।